गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए हम लोग देख रहे थे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। क्या देख रहे थे? स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जरूर पहले इसको देखिए, ठीक है। इसके पहले वाले जो वीडियो था उसको अभी एक बार आप जरूर देखिए। ऐसा तो करना ही नहीं है, किसी वीडियो को छोड़ना ही नहीं है, लगातार आपको देखते जाना है, लगातार जुड़े रहना है। ऐसा नहीं करना है कि चलो आज नहीं देख पाए, इस वीडियो को हम कल देखते हैं। ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से आपको लेजीपन में जा जाएगा और दिन दिन आप छोड़ते जाएंगे और एक दिन सारा आपसे छूट जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जिस समय वीडियो प्ले होता है उसी समय वीडियो को देख के ख़त्म करना है, उसको नोट करना है और किताब से भी थोड़ा सा उसका हेल्प लेना है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स जो क्लियर नहीं हो रहे हैं वो क्लास खुलने के बाद आपको सारा चीज़ क्लियर कराया जाएगा। कुछ ऐसा चीज़ है टेक्निकल्स में जो आपको बिना दिखाए वो संभव नहीं होगा, तो जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तब तक आपको समझना मुश्किल होगा कुछ कुछ पॉइंट के लिए। तो जो जो पॉइंट आपको थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे ही क्लास खुलेगी, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे उस प्रैक्टिकल में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, जितना अभी बताया जा रहा है उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप जो है बता सकते हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जितना बताया जा रहा है उतना में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और आप प्रत्येक दिन उसको सही तरीके से देख रहे होंगे। आइए हम लोग देख रहे थे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, उसी को आज फिर से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स, हमने जो है दो प्रकार के कंट्रोल को पढ़ा था। दो प्रकार से डीसी मोटर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पहला जो था क्या था? आर्मेचर कंट्रोल। आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, और दूसरा था फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, और दोनों में जो नियम हम लोग पढ़े थे, एन समानुपाती, ई समानुपाती, ईबी, ईबी समानुपाती एन बाय फाइव, ये चीज पढ़ा था, ठीक है। आर्मेचर में हम लोग किसको कंट्रोल करते हैं? आर्मेचर में हम लोग ईबी को कंट्रोल करते हैं और फील्ड मेथड में हम लोग किसको कंट्रोल करते हैं? फाइव को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो फाइव हम लोग इसको इधर रखेंगे एन को, तो क्या हो जाएगा? ईबी समानुपाती, ये व्युत्क्रम फाइव का समानुपाती हो जाएगा और ईबी का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी कि ईबी को क्या करेंगे, ईबी को जैसे जैसे हम लोग घटाएंगे स्पीड उतना बढ़ेगा, जितना इसको बढ़ाएंगे उतना क्या हुआ, उतना स्पीड घटेगा। यानी कि क्या करते हैं, इसमें हम लोग ईबी को बढ़ाते हैं और इसमें फाइ को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जब ईबी बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो ये नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड के लिए करते हैं, नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड पर चलाने के लिए, नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड पर चलाने के लिए जो है हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड का प्रयोग करते हैं। और नॉर्मल स्पीड से अगर ज्यादा स्पीड, नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मल स्पीड से ज्यादा,
ज़्यादा स्पीड के लिए हम लोग जो है फील्ड मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड हम लोग प्रयोग करते थे, इतना हम लोगों ने जान लिया था। ठीक है, ये सूत्र आप याद रखेंगे, एन फाइव बाई ई वी होता है, ये होता है यानी कि फाइव को गलती हो गई क्या, ई बी एन ओ ई बी ये होता है। हम लोग एन को देखेंगे, एन समानुपाती ई बी बाय फाइव, ऐसे ये चीज देखेंगे यानी कि ई बी बढ़ेगा तो ये क्या होगा घटेगा, और फाइव बढ़ेगा तो एन क्या होगा घटेगा। तो फील्ड कंट्रोल फील्ड में जितना हम लोग करंट बढ़ाएंगे उतना स्पीड क्या होगा कम होते जाएगा। तो इतना सिर्फ आपके एग्जाम में यही आएगा कि नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड करने के लिए कौन सा मेथड का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा फील्ड, नॉर्मल स्पीड से कम आर्मेचर, बस यही याद रखना है। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब होता है कुछ ऐसा मेथड है जो हम आपको बाद में पढ़ेंगे, जैसे क्या है, जैसे व्हाट ये नाडो मेथड, व्हाट ये नाडो मेथड अभी आपको हम बताएंगे तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, हम इसको बाद में आपको बताएंगे कुछ चीज़ और जानकारी हो जाने के बाद, और उसके बाद क्लास जब खुलेगा तो व्हाट ये नाडो मेथड भी आपको हम बताएंगे। अभी आपको इतना चीज़ याद रखना है कि व्हाट ये नाडो मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें ठीक है तीन मशीनों का प्रयोग होता है, तीन मशीनों का प्रयोग होता है, एक मोटर्स, दो मोटर्स और एक जनरेटर। ठीक है, हम लोग उसमें तीन मशीनों का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं वर्ड लियोनार्डो मेथड को, उसके बाद इसको विशेष हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ज्ञान के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्ड लियोनार्डो मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम स्पीड को कम भी कर सकते हैं, स्पीड को ज़्यादा भी कर सकते हैं, स्पीड को शून्य भी कर सकते हैं, स्पीड को उल्टा भी बना सकते हैं। तो वर्ड लियोनार्डो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, अभी आपको जितना समझ में आएगा ठीक है, बाद बाकी जो नहीं समझ में आएगा फिर हम आपको क्लास में हम बताएंगे, लेकिन जहाँ तक है जितना समझना चाहिए उतना समझ में आ जाएगा। तो क्या है, सबसे पहला याद रखना है कि वर्ड लियोनार्डो मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे मोटर की स्पीड को नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मल से कम, जीरो और उल्टा भी घुमा सकते हैं, यानी कि सारा काम हम लोग वर्ड लियोनार्डो मेथड के द्वारा कर सकते हैं। तो वर्ड लियोनार्डो मेथड बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है, ये ज़्यादा इसमें जरूरत होती है। क्या है वर्ड लियोनार्डो मेथड देखिए, हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए क्या होता है। ठीक है, इसमें तीन मशीनों का प्रयोग होता है, सबसे पहले एक मोटर यूज करेंगे हम लोग, थ्री फेज मोटर, कैसा मोटर, एक थ्री फेज मोटर का प्रयोग करेंगे, आर वाई और बी। उसके बाद यहां रहेगा एक जनरेटर रहेगा, डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर खाली जी ये जी देते हैं, जी नहीं देते हैं, डीसी जनरेटर, और यहां रहेगा डीसी मोटर। ठीक है, क्या रहेगा, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। ठीक, और उसके बाद हम लोग
एक रखेंगे डीसी सप्लाई, एक डीसी सप्लाई रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, हम इस मोटर से इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, क्या करेंगे, इस मोटर को चालू करेंगे। ये मोटर, ये जनरेटर क्या करेगा, ये जनरेटर घूमेगा, इस घूमेगा तो इसको फील्ड, इसके फील्ड के लिए इसका फील्ड के लिए हमें अलग से डीसी देंगे, ठीक है। इसका फील्ड का अलग से हम लोग डीसी क्या किए, इसके अलग से इसको फील्ड में कनेक्शन कर दिए, और इसी कनेक्शन को यहां हम लोग इस कनेक्शन को ऐसे ना करके, डायरेक्ट ना दे करके, यहां हम लोग एक इंटरमीडिएट स्विच लगाएंगे। क्या करेंगे, एक हम लोग इंटरमीडिएट स्विच लगा देंगे, एक इंटरमीडिएट स्विच लगा देंगे, ठीक है। अभी इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है पता है, और उसके बाद जो इसके आर्मेचर में करंट बनेगा, इसके आर्मेचर में जो करंट बनेगा, ठीक है, इसके आर्मेचर में जो करंट बनेगा, इसको हम लोग इधर से कर लेते हैं, चलो इधर से, इस मोटर में दे देंगे, मोटर के आर्मेचर में, और यहां से हम लोग इसको फील्ड सप्लाई दे देंगे, यही है वर्ड लियोनार्डो मेथड। क्या है वर्ड लियोनार्डो मेथड, वाट लियोनार्डो मेथड। देखिए अब इसकी स्पीड जो है कैसे उल्टा होता है, कैसे कम होता है, कैसे ज्यादा होता है, अब आप देखिए क्या किए, इस मोटर से इसको घुमाएंगे तो ये डीसी निकलेगा, क्या निकलेगा, डीसी सप्लाई निकलेगा। इस डीसी सप्लाई को हमने कहाँ दे दिया, आर्मेचर में दे दिया, मान लेते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये तो इसको फील्ड मिल रहा है। जैसे ही इससे आर्मेचर में जाएगा करंट, ये मोटर क्या करेगा, घूमने लगेगा। जिस जिस तरीके से यहाँ का स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, वैसे ही ये करंट भी ज्यादा बनाएगा, और ये करंट ज्यादा बनाने के बाद इस मोटर को ज्यादा करंट मिलेगा, ज्यादा करंट मिलने के बाद ईबी जो बैक ईएमएफ है वो ज्यादा बनेगा, उससे क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा, क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए जैसे ही इसको कम घुमाएंगे, कम करंट मिलेगा, कम करंट जाएगा, कम ईएमएफ बनेगा, स्पीड क्या होगा, कम बनेगा। इसको हम लोग बंद कर देंगे मोटर को, ये इसकी स्पीड जीरो हो जाएगा। जैसे ही हम लोग जानते हैं कि या तो किसी एक का कनेक्शन बदल देने पर, आर्मेचर या फील्ड का किसी एक का कनेक्शन बदल देने पर उस मोटर की दिशा बदल जाती है, तो यही इंटरमीडिएट स्विच क्या करता है, इसका कनेक्शन इधर है ना, तो इस बार हम इसको स्विच को बदल देंगे, इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा और इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा, मतलब ये कनेक्शन को बदलने का कार्य करता है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो जैसे ही स्विच को बदलेंगे, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ का करंट बदला, फ्लक्स बदला, यहाँ का भी करंट बदल जाएगा, ये प्लस था, ये माइनस था, यहाँ का भी करंट क्या हो जाएगा, बदल के लिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी करंट माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा।
जैसे ही करंट की दिशा बदली, इस मोटर की घूर्णन दिशा भी क्या होगी, बदल जाएगी। तो यही है व्हाट लियोनार्डो मेथड, जिससे हम लोग तीनों प्रकार के स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं, कम को भी प्राप्त कर सकते हैं नॉर्मल से, ज्यादा को भी प्राप्त कर सकते हैं, और हम उल्टा भी इससे घुमा सकते हैं। लेकिन आर्मेचर कंट्रोल मेथड सिर्फ स्पीड को कम करने के लिए, फील्ड कंट्रोल मेथड स्पीड को ज्यादा करने के लिए, व्हाट लियोनार्डो मेथड सबसे बेस्ट मेथड, इससे सारा काम कर सकते हैं हम लोग। स्पीड को ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और इसकी स्पीड के रोटेशन को भी बदल सकते हैं, उल्टा भी घुमा सकते हैं। यही व्हाट लियोनार्डो मेथड है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर कुछ याद नहीं रहे तो इतना जरूर याद रखना है कि व्हाट लियोनार्डो मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे मोटर की नॉर्मल स्पीड से ज्यादा, नॉर्मल स्पीड से कम, जीरो और रोटेशन की दिशा उल्टा कर सकते हैं, विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं। यही व्हाट लियोनार्डो मेथड है। तीन मेथड हमने आपको बताया है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड नॉर्मल से कम, फील्ड कंट्रोल मेथड नॉर्मल से ज्यादा, व्हाट लियोनार्डो मेथड नॉर्मल से कम, नॉर्मल से ज्यादा, उल्टा, जीरो, सब। ठीक है, तो आज इतना ही। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम बूंद बूंद से पूरे घड़े को भरने का काम करेंगे। धीरे धीरे आपको इलेक्ट्रिशियन पर बहुत ज्यादा पकड़ हो जाए। चलिए, धन्यवाद।